अज जिस स्थान पर असी खलोते हुए है इस स्थान 1960 बनिया पर इस तो पहले श्रीलंका दे विच कोलंबो का सब तो पहला गुरद्वारा अगर खुलिया सी ते ओ हैदरा रामानी परिवार ने अपनी दुकान विच खोलिया सी। उपरांत यह जगह लीती गई ते इस जगह दे उत्ते सिंधी एसोसिएशन ने एक गुरद्वारा साहब का निर्माण किया जिन्हों सिंधी गुरद्वारा नानक दरबार के नाते या सिंधी टैंपल या सिंधी गुरद्वारा के नाते भी जाणिया जाता है। इत्थे एक होर भी स्थान हैगा जिथे महाराज का प्रकाश हुंदा हैगा वो हैगा सिंधी समाज का एक मंदिर जिन्हों सिंधी गुरद्वारा भी आख्या जाता हैगा ते सिंधी मंदिर भी आख्या जाता हैगा। उस स्थान के उत्ते महाराज का स्वरूप प्रकाशमान है। तकरीबन 75 तो 80 साल पुराना उस स्थान जिहड़ा कि इस गुरद्वारा साहब बनने तो पहले इत्थे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता सीगा। हुण असी चले हैगे उस स्थान के उत्ते ताकि आप जाके दर्शन करिए ते आप जी नूं उस स्थान के दर्शन कराइए कि श्रीलंका के अंदर सब तो पहला गुरद्वारा जिहड़ा सीगा वो सिंधी समाज ने बनाया सीगा। मंदिर उन्होंने प्रकाश किया गुरु ग्रंथ साहब जी का आपको उस स्थान भी दिखाने हैं तो चलो साढ़े नाल ते देखते रहो साड़ी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी टर्बन ट्रैवलर दी ऑन PTC नेटवर्क। सब कोई के वड़ वड़ा डीठा होए। गुरद्वारा श्री गुरु नानक दरबार तो हुण असीं आप पुजे हैगे आ उस स्थान ते जिथे लिखा हुआ हैगा सिंधी एसोसिएशन ऑफ श्रीलंका। इस स्थान दे उत्ते एक मंदिर है या उन्हूं सिंधी मंदिर कह सकते हो या सिंधी गुरद्वारा कह सकते हैगे हो क्योंकि इस स्थान दे उत्ते महाराज का प्रकाश होया गया। आओ अंदर चलने हैं ते जाके देखने हैं उस स्थान जिन्हों सिंधी मंदिर या सिंधी गुरद्वारा कहते हैं जिहड़ा कि तकरीबन 80 साल पुराना है ते समुंदर दे ठीक कंढे दे बिल्कुल कोने दे उत्ते इत्थे वसिया होगा। मेरे राइट लेफ्ट साइड के उत्ते पूरा समुंदर तुसीं देख सकते हैगे हो जिहड़ा कि उस पासे हैगा। आ उत्ते चलने हैं फस्ट फ्लोर दे उत्ते आप जी नूं दर्शन कराने हैं। मेरे राम मेरे नीच करम हर मेरे मेरे राम यह नीच करम हर मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे गुणवंता हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे मेरे राम यह नीच करम हर मेरे मेरे करम हर मेरे जोत है सोए। सन 1919 हैदराबाद सिंध हिंदुस्तान का वह हिस्सा जिहड़ा कि अजकल पाकिस्तान विच है। सिंध हैदराबाद तो आया हुआ एक सिंधी परिवार श्रीलंका विच आके बसता है ते सन 1919 दे विच अपनी दुकान विच महाराज का स्वरूप रख एक छोटा जिहा गुरद्वारा बनाता है। उस परिवार का नाम सीगा हैदरा रमानी।
अज जिस स्थान पर असी खलोते हुए हैगे हाँ, यह स्थान 1960 च बनिया, पर इस तो पहले श्रीलंका दे विच कोलंबो का सब तो पहला गुरद्वारा अगर खुलिया सी ते ओ हैदरा रामानी परिवार ने अपनी दुकान विच खोलिया सी। उपरांत यह जगह लीती गई ते इस जगह दे उत्ते सिंधी एसोसिएशन ने एक गुरद्वारा साहब का निर्माण किया, जिन्हों सिंधी गुरद्वारा नानक दरबार के नाते या सिंधी टैंपल या सिंधी गुरद्वारा के नाते भी जाणिया जाता है। यह एक ऐसा स्थान है जिथे सारे धर्मां दा आप जी दर्शन कर सकते हैगे हो। इस स्थान दे उत्ते आप जी देख सकते हैगे हो हिंदू देवी देवतावां दी मूर्तियां भी ने, बुद्ध दी प्रतिमा भी है, झूले लाल जी दी भी मूर्ति है जिन्हां नूं सिंधी समाज बहुत मनदा है। नाल ही बाबा श्री चंद जी ते उहनां दे शिष्य वारी वारी वाले बाबा जी बाबा पूरन चंद जी दी भी आप जी नूं मूर्ति देखण नूं मिल सकती है। बाबा श्री चंद जी नूं पूजण दा मतलब है कि इस स्थान दे उत्ते कोई ना कोई संबंध उदासी देरियां दा ते जरूर रहा होएगा, क्योंकि पुरातन समय दे कोई भी लोग मौजूद ना होण करके असी वो संबंध स्थापित ना कर सके। नाल ही सब तो इंपॉर्टेंट है गुरु ग्रंथ साहब जी दे स्वरूप दा इत्थे प्रकाशित होना, जिहड़े कि इत्थे शोभायमान ने। तुसीं मेरे पिछे दर्शन कर सकते हैगे हो, सारी देवी देवतावां दे नाल इत्थे एक सोहनी पालकी साहब जी रखी गई है, उहदे अंदर महाराज दा स्वरूप प्रकाशमान ने। इत्थे दे जिहड़े पंडित जी ने ओह रोज़ सवेरे इत्थे महाराज दे स्वरूप दा प्रकाश करदे ने, राती सुखासन करदे ने। इतवार वाले दिहाड़े आसा जी दी वार दा इत्थे पाठ हुंदा है, ऐसा सानू दस्या गया। महाराज दा स्वरूप इत्थे एक पुरातन हुंदा सीगा जिहड़ा कि बिरध सीगा, दिल्ली तो कुछ सिंह आए, उन्होंने उस स्वरूप दे बदले एक दूजा नवा स्वरूप इत्थे ला के प्रकाशमान किया। यह स्वरूप थोड़ा विरले किस्म का है, ये अंदर गुरमुखी दे विच भी लिखा हुआ है ते नाल ही इंग्लिश दे अंदर उदा तर्जुमा किया हुआ है, ट्रांसलेशन किया हुआ है, ते नाल ही रोमन इंग्लिश दे अंदर भी महाराज दे स्वरूप नू लिखा गया है। जिहड़े बंदे गुरमुखी नहीं पढ़ सकते वो रोमन इंग्लिश विच महाराज दी बाणी का पाठ कर सकते हैं। मैं आके इन्हां नू इत्थे यह पुछया कि इत्थे एक होर नवा गुरद्वारा साहब बनया है ते उहदी की लोड़ पई, ते इत्थे आके मैनू पता लग्या कि जिस वक्त नवे गुरद्वारे दा निर्माण हो रहा सी ते इन्हां ने बेनती कीती सी कि इस स्थान दे उत्ते असी कट्ठे रल मिल के गुरद्वारा साहब नू चला सकने हैगे आ। मैं पूरी तरीके नाल इह समझना हैगा कि सिख मर्यादा दे हिसाब नाल महाराज दे स्वरूप जिथे भी प्रकाशित ने वह मर्यादा दे हिसाब नाल उत्थे दा रख रखाव ते इज्जत सम्मान होना चाहीदा है, ते उहदे वास्ते एक ग्रंथी साहब की लोड़ है। तो मैं हमेशा यह कहता आया हैगा कि असी करोड़ों रुपए गुरद्वारा साहब के उत्ते सोने के पतरे लाने ते खर्च कर सकते हैं, तो क्या एक ग्रंथी साहब की ड्यूटी लगा के परमानेंटली ऐसे स्थानों के उत्ते असी नियुक्त नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि किन्ने गुरद्वारे बने, इंपॉर्टेंट यह भी नहीं है कि तुसी किन्नी बाणी का पाठ करते हैं, इंपॉर्टेंट यह है कि बाणी नू सच्चे मन नाल पढ़िया जाए ते जिहड़े बाणी दे विच जो संदेश या जो उपदेश महाराज ने अंकित किए ने उहदे उत्ते अमल किया जाए। लबो लुभाव यह है गुरद्वारा साहब असी जाने हाँ, मत्था टेकने हैगे हाँ, बाणी पढ़ते भी हैगे हाँ, बाणी सुनते भी हैगे हाँ, कीर्तन भी सुनने हैगे हाँ, कथा भी सुनने हैगे हाँ, लेकिन साढ़े तो उस उत्ते अमल नहीं होंदा। बड़े दुख की गल है, मैं लंडन भी गया हैगा, उत्थे भी मैं देखे ने यह फलाने का गुरद्वारा है, यह फलाने का गुरद्वारा है, असी रब नू गुरद्वारियां विच वंड दिता, लेकिन जिहड़ी महाराज की बाणी है असी उस दे उते अमल ना कर सके। मैनू उम्मीद है साड़ी आन वाली जनरेशन वो इस चीज़ नू समझेगी ते हो सकता है शायद वो इस चीज़ां ते अमल भी करे। सिर धर तली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली सिंधी परिवार हमेशा ही
गुरु घर नाल बहुत ही प्रेम रखने वाले बहुत ही जुड़े होंगे ने। यह कोई नवी गल नहीं है, हमेशा ही सानू ऐसा देखने मिलिया है। अज जिस स्थान पर असी खलोते हैगे हाँ, यह स्थान भी एक सिंधी परिवार की देन है। तो मेरे नाल ने इस वक्त पंडित कमलेश कुमार जी शर्मा जेड़े इस स्थान की देख रेख करते हैं, तो महाराज की देख रेख, महाराज के स्वरूप की देख रेख, तो प्रकाश करना, तो सुखासन करना, वह भी इन्हों के जिम्मे आता है। आओ इन्हों को पूछने है कि इस स्थान के उत्ते किस तरह की देख रेख चल रही है, गुरद्वारा साहब कदों बनिया, तो होर भी अगर कोई संबंधित जानकारी या देना चाहन तो इन्हों को पूछांगे। मैं पंडित कमलेश भारद्वाज इस अपना सिंधी कम्युनिटी सेंटर की तरफ से श्रीलंका में इस गुरुद्वारे की सेवा कर रहा हूँ। मैं 2015 से यहाँ सेवा कर रहा हूँ। जब पहले यहाँ आया मुझे नहीं पता था कि गुरुद्वारा भी है हमारे यहाँ पर, पर धीरे धीरे जब मैं आया यहाँ पर तो मुझे गुरु नानक जी की सेवा करने का मौका मिला। सो धीरे धीरे गुरु नानक जी के साथ मैं जुड़ता गया, गुरु की वाणियाँ पढ़ता गया, गुरु जी के साथ, गुरु नानक जी के साथ मेरा विश्वास जुड़ता गया। सो उसके बाद मैं गुरु नानक जी की सेवा करते हैं, सुबह को प्रकाश करते हैं, उसके बाद रहरास साहब का पाठ करते हैं, उसके बाद शाम को जो है सुखासन करते हैं, और हर संडे को जो है आशा दीवार भी करते हैं। सारी सिंधी कम्युनिटी मिलकर आशा दीवार करती है, भजन कीर्तन करते हैं, अरदास, जो भी अपना सिख समुदाय का गुरु ग्रंथ साहिब का जो भी सिस्टम है वो सारा हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं। आपको हमारे सिख समुदाय के जो और हमारे सिख धर्म की मर्यादा के बारे में तो शायद थोड़ा बहुत पता होगा कि जब भी कोई भी इंसान चाहे किसी भी धर्म का हो वो गुरुद्वारा साहब में जाता है तो सर कवर करके जाते हैं, और किसी भी किस्म का बीड़ी, तंबाकू, इस तरह की कोई भी चीज़ें, मदिरा, ये धार्मिक स्थानों पर जहाँ पर मंदिर या गुरुद्वारे हैं वहाँ पर अलाउड नहीं होती। और जो भी यहाँ पर आए एक साफ़ सफाई होनी चाहिए, तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ों का पालन यहाँ पर भी हो रहा होगा। बिल्कुल, आप कहीं भी धार्मिक स्थान पर जाएंगे तो साफ़ सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है, और हमारी सिंधी कम्युनिटी की ऐसा है कि उनको साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम धार्मिक स्थान, गुरु का स्थान है हमारा, मंदिर है, भगवान है, सबको हम लोग बड़ी साफ़ सफाई से रखते हैं, गंदगी किसी को पसंद नहीं है। और जैसे आपका सिख समुदाय का जो भी नियम है वो हम सारा पालन करते हैं। जो भी मंदिर गुरुद्वारे में आने से पहले पैर वॉश करके, पैर धोकर, सर ढककर, उसके बाद भी गुरु नानक के पास आने से पहले अपना हाथ धोकर, उसके बाद चवर जो है डुलाते हैं उसको। जो भी सारा सिस्टम है वो सारा हम लोग फॉलो करते हैं यहाँ। बहुत अच्छे। तो आपको ये रोज़ यहाँ पर सुबह प्रकाश, रात को सुखासन, रहरास साहब का पाठ, ऐसे करने में कोई तकलीफ़ नहीं आती? नहीं नहीं, तकलीफ़ कोई नहीं आती। ये तो गुरु की सेवा है, और हमारा अच्छा भाग्य है जो हमें गुरु की वाणी पढ़ने का हमें मौका मिल रहा है और गुरु की सेवा करने का चांस मिल रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। अच्छा, आपको लगता है कि अगर यहाँ पर एक आपकी मदद के लिए कोई ग्रंथी साहब भी होते और महाराज का स्वरूप यहाँ पर अगर पंजाबी में होता तो, और एक पूरी जो पूरी मर्यादा जो है जिस तरीके से उसका अगर पालन होता तो क्या ज़्यादा अच्छा नहीं होता? बिल्कुल अच्छा, एक बहुत अच्छी बात होती है अगर यहाँ पर एक कोई बैठते, अगर स्पेशली जो है जो गुरु ग्रंथ को प्रॉपर तरीके से हम लोग भी प्रॉपर देखते हैं, बट एक जो सिख समुदाय का होता है बैठता है तो उसका एक अलग ही फर्क पड़ता है। तो आप मानते हैं कि उससे बेहतरी और ज़्यादा हो सकती है? हाँ बिल्कुल, बेहतरीन हो सकता है। बहुत अच्छे। सिंधिया के बारे में एक गल होर बड़ी प्रचलित है, हैन हिंदू रब नू मनदे ने सिखा वर्गा, तो जिहड़ा इन्हां दा जो स्टाइल हैगा वह हैगा क्रिश्चियंस वर्गा। क्रिश्चियंस वर्गा स्टाइल का मतलब हैगा कि दे आर वेरी मॉडर्न। सारी दुनिया के अंदर तुसी सिखां दे नाल, जिस तरह सिख तुहानू हमेशा किते ना किते किसी ना किसी कंट्री देखण नू मिल जांदे ने, सिंधी भी हर दुनिया के कोने कोने ते पहुँचे हुए ने, बड़े कामयाब ने बिजनेस के अंदर, तो उन्होंने जिहड़ा मॉडर्न वे ऑफ लिविंग है वह अडॉप्ट किया हुआ है। इस करके जिस तरह क्रिश्चियनस होंगे ने बार मॉडर्न होंगे ने, तो असं उन्होंने कहने कि भी काफ़ी मॉडर्न ने, तो धर्म हिंदुआ वर्गा हैगा बिल्कुल कट्टर, नाल जिहड़ी पूजा पद्धति है रब नू मनना वह बंदे ने सिखा वर्गा। सो ऐसा जरा समाज है वो बड़ा ही विरला देखने को मिलता है, तो मैं दिलों धन्यवाद देना है सिंधी समाज के सारे लोगों जिहड़ा गुरु नानक देव जी ना प्यार करते हैं, तो इन्हां मान सम्मान इज्जत देंदे ने, ते सिख रिलीजन नू वो भी प्रैक्टिस करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सारे लोग जिहड़ा साडा प्रोग्राम वेख रहे हैं, खास तौर पर जिहड़े सिंधी समाज के लोग ने उन्हां नू बहुत बहुत शुक्रिया, दिलों धन्यवाद।
कल आप जी नूं असी इसी होर स्थान दे उत्ते श्रीलंका दे अंदर फिर मिलांगे एक नवे एपीसोड विच ते आप जी नूं उस स्थान दे भी दर्शन करावांगे। तद तक तुसी साडे नाल बने रहो ते देखते रहो स्पिरिचुअल जर्नी डरबन ट्रैवलर दी ऑन पीटीसी नेटवर्क। मेरी बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका बख्श देवी मेरे बख्श देवी मेरे बख्श देवी मेरे तू गुना बाबा नानका छड़ी ना कदे मेरी बाबा नानका।